हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो भाई साहब फाइनली हम पहुंचे हैं हरिद्वारी भवन। देखो पहाड़ भाई साहब जबरदस्त लग रहा है। क्या हो गया? तो भाई अब मेरे पीछे देख रहे हो हरिद्वारी मंदिर, यहाँ पर अब पहुंच चुके थे। कोई बोल रहे पहले तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर गर्भजून गुफा के लिए हमने पर्ची वर्ची तो कुछ बनवाई नहीं थी, और दूसरा चीज़ अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है गुफा में जाने की, बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और शरीर में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम इस बार इसको स्किप करते हैं। एंड आगे चरण पादुका नाम की एक जगह है, वो आएगी वहाँ पर, जो भी होगा आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस हमारी जो चढ़ाई थी वो तो कंप्लीट हो ही गई थी मॉर्निंग में, और जो मतलब उतराई बोलते हैं वो है ना, जो भी है मतलब नीचे उतरने वाला जो सिस्टम होता है वो बस कंप्लीट होने वाला है, 1.5 किलोमीटर रह गया, ठीक है। उसके बाद हम अपना होटल में चेक इन करके सोएंगे फूड, फिर उठेंगे सीधा कल, ठीक है। अगर मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू ना कर पाऊँ तो समझ जाना बस हो गया, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। इसको देखो मसाज करवा रही है पैरों, वैसा पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, हमने सोचा मसाज करवा लिया है ना, पैरों की हम दोनों ने करवाई, 30-30 रुपये में 60 रुपये में मसाज हो गई, हाँ लेकिन मज़ा आ गया। चरण पादुका मंदिर नीचे की तरफ है ना। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुँचे हैं चरण पादुका मंदिर, चलना अंदर। तो गाइस मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे हुए, यह है कुछ मंदिर बड़ा सा और बहुत बढ़िया सा मंदिर है, रास्ता में पड़ता है, कभी आओ तो होके जरूर जाना है ना। पहले भवन पर चढ़ना था कि हम अब चलो। तो फाइनली गाइस हम बाढ़ गंगा पहुँच चुके हैं, बस ये नीचे वाली स्टेयर्स यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, वहीं पे हमारा लास्ट स्टेयर है, और ये देखो पहाड़ों की कटाई चल रही है यहाँ पे, एकदम ग्रीनरी है, ये देखो, और ये मंदिर है, मंदिर हाँ ये ऊपर जो सबसे टॉप पे दिख रहा है आपको, देख रहे हो। फिलहाल कुछ ऐसा भाई साहब पत्ते देख कितने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े पत्ते, पहाड़ों का पानी आ रहा है, ये पत्ता एक इतना बड़ा है, 2 तकिए बन जाएंगे इसमें, बनाने तकिए और छेद करे हुए पत्ते हैं ये, वो ओए तू क्यों घूर रहा है मेरे को, अकल नहीं है क्या? ये देखो भाई साहब सामने धूप भी पड़ रही है और ऊपर ओस भी पड़ रही है यार, मन तो नहीं कर रहा वापस जाने का, लेकिन जय बजरंगबली। लो टीका लगवा ले पंडित जी से, लगा दो पंडित जी टीका लगा दो। टीका भी लगवा दिया हनुमान जी का, भाई साहब 1 मिनट तो डरी गया मैं, देख के मैं कोई असली है कि नकली है, पता चला नकली है, हैं? 1 मिनट में अचानक देखो तो असली लगता, देखो वाटरफॉल देखो, अरे हाय यार क्या ही होगा इंडिया का, बताओ जम्मू जैसा स्टेट है, और चलो देख लो यार ये चल रहा है यहाँ पर। चल फाइनली लास्ट
पौड़ी आ गई। तो गाइस देखो ये बाणगंगा नदी है पूरी सूख गई है, और माता का मंदिर वहाँ पर है बाणगंगा प्राचीन मंदिर। जय माता दी, जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ, देख लो यार नदियों में कूड़ा करकट क्या क्या डालेंगे। चले तो भाई हम निकल ही रहे थे, फिर हमें दिखाई एक छोटा सा प्यारा सा व्यू जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, और ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है। बाणगंगा यहाँ से होती भी जाती है, फिर आगे जो बच्चों का मुंडन मुंडन होता है वो करवाते हैं वो लोग, है ना। वो देखो तीन हाथी बैठे वहाँ पे। चले वॉइस ऑफ गाड़ी, गाड़ी देखी मैंने पहाड़ पे अभी। चलो चलो हम निकलते हैं, चलो चले। तो गाइस फाइनली अब जाके हम रूम पर पहुँचे हैं, अभी बज रहे हैं 7:30, और यार बहुत ज़्यादा थकान हो गई जिसकी वजह से मैं ब्लॉग भी पूरा शूट नहीं कर पाया। ठीक है, जो अभी आपको दिखाया मैंने, हम ई रिक्शे में थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब कि मचा रखा है यार। एक मतलब कि 3 से 4 किलोमीटर के रास्ते के लिए वो 300-350 रुपये इतना एक चार्ज कर रहे हैं, समझ गए। तो यही सब चीज़ें थी जो कि मैं वहाँ पर ब्लॉग में इंक्लूड नहीं करा, वो चीज़ शूट भी नहीं करी। ठीक है, फिलहाल सीन ऐसा है कि अभी 7:30 हो रहे हैं, हम 2 घंटे रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे बाहर खाना वाना खाने के लिए। कल का जो सीन रहेगा, कल है दो तरीके ना, हाँ तो देखते हैं। घूमने फिरने का हमने बात कर रखी है एक ट्रिवलर वाले से, तो वो हमें घुमाने के लिए ले जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।